ताकते हैं। राम के टाइम में रावण भी हुए, कृष्ण जी के टाइम में कृष्ण कंस जी भी हुए, और अब भी ऐसी तरह से दुनिया चली आ रही है, ऐसे चलती रहेगी। कभी उनका जोर आ जाता, कभी देखो कभी रातें लंबी हो जाती हैं, कभी दिन लंबी हो जाते हैं। रात दुख है, दिन सुख है, देखते हैं सर्दी गर्मी में कभी उसका प्रभाव बढ़ जाता है। बाकी हुए हाँ, बाकी ये जरूर है कि दुनिया में जो अब क्या कैसे कहें, ये जो हो रहा है आग पानी बिजली मजों के युद्ध और महामारी, इसके अंदर इसका बहुत जोर है, बहुत जोर है, बहुत जोर है। अब ये दुनिया जो खत्म हो रही है, या तो आग से होगी, पानी से होगी, भूचाल से होगी, बल्कि कौम लड़ाई से होगी। जैसे अभी आपने चिकनगुनिया सुन लिया, डेंगू सुन लिया, HIV सुन लिया, दूजा सुन लिया, कि जिनकी दवाइयाँ हैं। सो कहने का भाव है कि हम उस परमात्मा की कठपुतली ईश्वर। कबीर साहब एक जगह फरमाते हैं कि काठ की पुत्री कहा करे बापुर, खिलावन हारो जाने, कि जिसके हाथ में हमारी डोर है ईश्वर की, वही जानता है कि हमें वो कैसे निकालना। तो फिर भी संत महात्मा, रब के लोग, परमात्मा के लोग अपनी कृपा से, अपने ओरे से, अपने आभिमंडल से उन लोगों को बचा के रखते हैं, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे देकर के बचा के रखती है, ऐसे ही संत समाज फिर भी जैसा भी है हमारे से अच्छा है, और हमारे लिए वो अच्छा सोचता था, अच्छा सोचता है और अच्छा सोचता रहेगा। बाकी महाराज के, परमात्मा के, ईश्वर के कदमों में हम ये प्रेर करते हैं सारे संगत की तरफ से कि जो उन्होंने मनवासी यात्रा के बारे में कहा, हमने सुना, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। ऋषि मुनियों के ऊपर तो पहले भी अटैक होते रहे, होते थे, तब भी हो रहे हैं, और ज़्यादा कदा तब भी होते रहेंगे। कृष्ण मार्ग को किसी ने कहाँ चाहे रहने दिया, राम को कहाँ रहने दिया, 14 साल कृष्ण का क्या हाल किया, महाभारत के युद्ध में ही उनको लगाए रखा, और बाद में गुरु नानक का घर देख लो, नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, औरंगजेब तक क्या हाल हुआ। सो कहने का भाव ये है, कुछ बातें ईश्वर की उसी के हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो जानती है तो हमें नहीं पता होता है, हमें उतना ही पता होता है जितनी हमारी जिम्मेवारी है। तो उनकी जानकारी लेने के लिए हमें पहले उन जैसा बनना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए। हर आदमी मोदी नहीं बन सकता, आप हम नहीं बन सकते, बन सकते हैं, जान सकते हैं तो क्या करें, कितनी मुश्किल में, कितनी आसानी में, जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे ये तो नहीं पता होता। तो बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू चंदी कला। प्रज्वलित किया जाएगा सबसे पहले गुरु महाराज कर्ण जी के कर कमलों द्वारा और महारानी जीता जी के कर कमलों द्वारा। प्लीज अभी कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाएं, उसके बाद आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। ये हसीन पल देखते बनते
सौ नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाने सर्वदा। अब हमारे यूके से आए बाबा जी, बाबा गोविंद राम जी, यूएसए से आए बाबा गोविंद राम जी अर्जुई करेंगे। सभी कृपा करके अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। यूं तो शबनम भी हंस होती है फूलों के रुखसार पर मुख पे तेरे पसीना बात ही कुछ और है। तो ये हमारे महेश्वर जी, जिस प्रोग्राम के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो मिशन दास धर्म, ना तो कि निकला धर्म है, ना कोई पंथ है, ना मजहब है, सिर्फ एक नई सोच है जो समाज के लिए प्यार और मोहब्बत और सांझ लेके पैदा हुई है। आज वो बीज जो उगा है कई साल पहले, आज वो फल फूल रहा है। आज मुंबई में हमारा इतना लगाव है, इतना प्यार है कि वो प्यार हमें खींचता चला गया। तो उस प्यार के सदके आज का ये प्रोग्राम शुरू होगा। लेकिन मैं आपको कुछ अपने प्रोग्राम के भी बताऊंगा। उससे पहले हमारे जो मंच में विराजमान हमारे महाराज जी, महारानी जी, लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी और हमारे चेयरमैन साहब दास कुकी जी, वो भी हमारे बीच में है। अब तो तालियां बनती हैं जरूर। जो भी मंच पे प्रोग्राम होता है, तालियां एक ऑक्सीजन का काम करती हैं उसके लिए। जब परफॉर्मर अपनी पेश करता, अपनी कोई भी बात आपके सामने रखता है, तो तालियां एक ऑक्सीजन का काम करती है, उससे एक बूस्ट अप मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है। तो मैं आपको यहां पे ये जरूर कहूंगा कि बीच बीच में आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां जरूर बजाए, क्योंकि ये तो हमारे पास ही खजाना है। सो इस बात की ओर ना जाते हुए मैं अपने मिशन के बारे में आपको 4-5 मिनट के लिए समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको रूपरेखा महाराज जी की नई सोच। क्योंकि महाराज जी जिस प्रोग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं, आज गुफ्तगू की किताब का विमोचन होने जा रहा है, क्योंकि वो फकीरी कलम है। फकीरी कलम जब उठती है, ना तो उसके लिए कोई रोजगार, ना कोई और कोई जरिया होता है, वो सिर्फ एक रेवोल्यूशन लाती है, वो कलम एक क्रांतिकारी लाती है। जब संत एक वो कलम उठाता है, वो एक इतिहास बन जाता है, एक बुनियाद बन जाती है, जिसपे एक विशाल बड़ा
जो प्रेम का मंच है वो खड़ा हो जाता है। महाराज जी ने जो हमें उद्घोष दिया, नानक नाम चढ़ दी कला तेरे बाणे सरबत। अब मेरे साथ बोलिए, नानक नाम चढ़ दी कला तेरे बाणे सरबत के भला। महाराज जी की सोच विश्वव्यापी सोच, महाराज जी जो सोचते हैं केवल एक एक मात्र के लिए नहीं। पूजो प्रित में श्री गणेश, तुजा ब्रह्मा विष्णु महेश। पूजो प्रित में श्री गणेश, तुजा ब्रह्मा विष्णु महेश। भारत पूज मां शारदा पूजो, शत शत प्रणाम तिना को, शत शत प्रणाम शत शत। दोस्तों, क्योंकि आशीर्वाद में
बहुत शक्ति होती है। कहते हैं आशीष का मोल होता नहीं, होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण। हमारे महाराज जी गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया और जैसे ही हम मंच पर आए, गुरु जी यहाँ पर इस्कॉन के प्रांगण में आए, तो ऐसा लगा बिल्कुल पावर आ गया। उज्ज्वल मौका है कि उनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देने के लिए एस एस गुप्ता जी और मैं रिटायर्ड श्री सुरेश अडवाणी जी को यहाँ पर आमंत्रण देना चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों 27 वर्षों तक आदरणीय रविंद्र जैन जी रोटरी क्लब के साथ जुड़े रहे और उनके साथ अपनी मौसिकी शायरियां बिखेरते रहे। ऐसा है कि अल्फाज, चाहे वो गुफ्तगू ही क्यों ना हो, वो एक मिनट में पूरा गाना, एक लाइनी, चार चार लाइन का गाना वो तुरंत बना देते। और ये तो शब्द हुआ, लेकिन अगर नाम लिया जाए नीता वाजपेयी का, तो नीता वाजपेयी के लिए भी उन्होंने उसी धारा प्रवाह से